सो हेलो एवरीवन, आई थिंक आप सब लोगों को ये न्यूज तो मिल गई होगी कि रात को जो वेबिनार हुआ था, कॉर्पोरेट हमारा एक वेबिनार था, बहुत ही बड़ा वेबिनार था, और जो 2 तारीख को पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग 2 तारीख को जो पोस्टपोन्ड हो गया था उसके रिगार्डिंग और लोगों के मन में क्या थी, एक्साइटमेंट भरी हुई थी। एक्साइटमेंट के नाते लगभग 20,000 लोगों की गैदरिंग उसमें लिमिट थी जूम के अंदर, लगभग 15,000 के लगभग लगभग लोग वहां पर अटेंड हो गए थे। 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर आ गए थे। और कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होती है इसके बारे में बताया, कॉर्पोरेट मीटिंग और टेक्निकल स्टाफ के बारे में थोड़ा कुछ बताया, और लगभग 1 बजे के आसपास एसर वापस एसर मीटिंग में आ गए थे। और सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कवर किया था वो ये था कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एंजॉय द राइड। जो हमारी जर्नी चल रही है हमें उसको एंजॉय करना है और हमें अपने प्रोसेस के ऊपर जो है ट्रस्ट करना है, क्योंकि काम बहुत तेजी से चल रहा है मैं आपको बता दूं। और काम टेक्निकली काम है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला काम है, इसलिए दिन रात काम चल रहा है इसमें। और कोई भी चीज जब तक परफेक्टली वो ना बन जाए, परफेक्टली वो मार्केट में कैसे उतर सकती है, जब तक वो परफेक्टली, अगर कोई सी भी अगर थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर मिस्टेक रह जाती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग हैं, ये तो पब्लिक है, उस पर कोई ना कोई उंगली उठाएगी कि ये प्रोडक्ट ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसके अंदर ये नहीं है वो नहीं है। तो परफेक्टली कोई भी चीज करने के बाद ही वो मार्केट में आने वाली है। उसके बाद onpassive.com के बारे में बताया, जो हमारी onpassive की वेबसाइट है उसे हफ्ते में लगभग 2 बार जो चेंज, अब 2 हफ्ते में लगभग 2 बार चेंज हो जाया करेगी वो। उसका अगला पॉइंट बताया उन्होंने कि ओ फाउंडर डैशबोर्ड के अंदर भी कुछ चेंजिंग की जाएंगी, और फालतू की चीजें वहां पे बहुत सारी हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। फालतू की चीजें हैं जैसे कि हमारा एक ई बुक सेक्शन भी है उसके अंदर, और उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे कि उसका कनेक्शन हमारे वेबिनार से हो, हमारे ओ फाउंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उससे हमारा कनेक्शन हो, यानी कि फालतू की चीजों हटा करके कुछ काम वाली चीजों को वहां पर ऐड किया जाएगा। तो डे बाय डे वो अपडेट होती रहेगी। अगला उन्होंने बताया कि डैशबोर्ड में कैलेंडर देखने को मिलेगा। कैलेंडर भी एक हमारा होना चाहिए, जब हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी कैलेंडर होता है वहां पे बहुत सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं कि वेबिनार कब हो रहा है, कौन सा वेबिनार हो रहा है। तो उसमें रेड बटन और ग्रीन बटन के बारे में बताया कि रेड बटन वेबिनार कब होगा, ये पूरा शेड्यूल आप उसके अंदर देख पाएंगे, और रेड बटन जो होगा वो वेबिनार हमारा खत्म हो चुका है, और ग्रीन बटन जो होगा उसमें वेबिनार कौन सा होने वाला है। उसके बाद अगला बताया था ओ नेट, जो हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसमें AI टेक्नोलॉजी को लेके आया गया है। आपने अभी तक ओ नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप उसे भी जरूर इस्तेमाल करना, और आगे इसके अंदर और भी फीचर्स ऐड होते रहेंगे। मेनू बार को लेकर के और भी बहुत सारी बातें हुई थी। और अगला पॉइंट बताया था टिल नवंबर 1000 स्टाफ कंप्लीटेड, यानी कि लगभग लगभग नवंबर तक हमारा जो 1000 का जो स्टाफ है जो हैदराबाद ऑफिस है उसमें लगभग 1000 का स्टाफ कंप्लीट हो जाएगा। और 1000 स्टाफ कंप्लीट होने के बाद में फिर वो पूरी तरीके से वहां पे पैक कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, कोई भी नई उसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके बाद 2023 में, अगले साल 2023 में एक न्यू बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, एक नया बिल्डिंग, एक नया ऑफिस बनके तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहां पर जो भी स्टाफ अब बढ़ेगा तो वो नए ऑफिस के अंदर बढ़ेगा। उसके बाद अब जो मेन बात आई थी वो आई थी हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट पैकेज को लेकर के हमारी बात आई थी। प्रोडक्ट पैकेज क्या होता है, प्रोडक्ट फाइनलाइज हो रहा है और ट्यूनिंग का जारी है, ट्यूनिंग का काम जारी है, प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुके हैं। लगभग जो 12 प्रोडक्ट हमारे आने वाले थे वो प्रोडक्ट हमारे आने वाले थे, उनमें से 9 प्रोडक्ट जो मार्केट में आने वाले हैं वो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब उस पर ट्यूनिंग का काम चल रहा है, और जो प्रोडक्ट लेके आने हैं उनका प्रोडक्ट पैकेज फाइनलाइज हो रहा है। जी हाँ, उनका प्रोडक्ट पैकेज जो है वो फाइनलाइज हो रहा है, और हम और उस प्रोडक्ट पैकेज को कैसे दिया जाएगा, कितने डॉलर में दिया जाएगा, कितने रेट में दिया जाएगा, ये सारी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। सॉरी, जब ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो वो पूरी चीज मार्केट में आ जाएगी। कोई भी काम आसान तो खैर होता नहीं है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की जा रही है। अब देखो, जो भी प्रोडक्ट पहले आएगा है ना, तो उसको लोगों को पसंद आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोडक्ट पहले मार्केट में अगर उतर जाए और वो लोगों को पसंद भी ना आए तो फिर वो एक उल्टी छवि जो है उसकी मार्केट के अंदर बन जाएगी।
तो आसानी से लोग नहीं जुड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो लोग आसानी से भी जुड़ेंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में बस इतना है कि प्रोडक्ट फाइनलाइज हो रहा है, उनके प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुके हैं, उनके पैकेज फाइनलाइज हो रहे हैं और उनके जो दाम है, उनकी जो डॉलर है वो फाइनलाइज हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट में माइकल विलियम सर ने जो कुछ बातें बताई थी प्रोडक्ट पैकेज को लेकर के भी बताया था और इसके बारे में बातचीत भी हुआ, और इसके अलावा हाइब्रिड जो हमारा अनलिमिटेड पे स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी बातचीत हुआ, क्योंकि जो जब मार्केट में जब प्रोडक्ट पैकेज उतरेगा तो उसका इनकम भी लोगों के वॉलेट में आना शुरू हो जाएगा, तो उसका पे स्ट्रक्चर का जो प्लान है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए। इसके अलावा जो भी बैक ऑफिस के अंदर भी जो पूरी की पूरी जो समरी आने वाली है, पीटर सरूड जो पूरी समरी भेजने वाले हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम पूरी की पूरी जो समरी है वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप बने रहिए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी आर इन टू